राजनेताओं, क्रिकेटरों और सिने कलाकारों के प्रशंसकों की दुनिया भर में कोई कमी नहीं है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव दिवस पर पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया गया है। पुणे की औंध में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में मोदी का अर्धपुतला लगाया गया है। मोदी के कार्यों पर आधारित काव्य रचना कर उसे बड़े बैनर में लगाया गया है। मोदी का पुणे में ये पहला मंदिर है। इस मंदिर पर मोदी भक्त बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं और यहां सेल्फी खिंचवाते नजर आ रहे हैं। मोदी का मंदिर बनाने वाले भाजपा कार्यकर्ता का नाम मयूर मुंडे है। उन्होंने खुद की जमीन पर ये मंदिर बनाया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मयूर मुंडे ने कहा कि इसे लेकर ट्रोल किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी से हमें प्रेरणा मिली है इसलिए मंदिर बनवाया है। औंध के एड मधुकर मुसले के कॉन्सेप्ट पर मोदी का ये मंदिर बनवाया गया है। दीवानाशों ने ये पहला पुतला बनाया है। इस पर 1,60,000 रुपए खर्च हुआ है। 15 अगस्त को औंध के सीनियर सिटीजन के नायडू के हाथों इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। मंदिर के पास मयूर मुंडे ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों पर लिखी गई कविता मोदी भक्तों के लिए लगाई है। मंदिर के बाहर लगे बैनर पर अब तक मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कविता के रूप में बयां किया गया है। मयूर का कहना है कि मंदिर निर्माण के बाद भले ही लोग उन्हें ट्रोल करें, लेकिन वे मोदी भक्ति नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, उसमें मैंने उनका व्यक्तित्व खड़ा करने का काम किया है। उनका व्यक्तित्व मैं खड़ा करने वाला एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मगर मेरे एरिया में रहने वाले लोगों को मोदी जी क्या है वो देखने को उसमें से एक विजुअल मिल सकता है। मंदिर बनाने के पीछे मेरा एक मकसद था कि इस देश में बीते 70 सालों में अनेकों अनेक मुद्दे थे जिन मुद्दों पर राजनीति हमेशा गरमाई हुई रहती थी। उसका पहला मुद्दा है राम मंदिर, दूसरा है 370, और तीसरी चीज़ है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक कानून लाया है। ऐसे मुद्दों को मोदी जी ने बहुत ही सही ढंग से न्याय निर्णय लेकर न्याय देने का काम किया है। इतना यही कारण मैंने मोदी जी का मंदिर, उनका स्टैचू अपने एरिया में अपने खुद के पैसे से खुद की जगह पर करने का एक दुस्साहस किया, आप मुझे बोल सकते हैं, मगर मुझे उसमें कोई खेद नहीं है क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ और भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं उनका एक नमो फाउंडेशन करके मैंने अभी एक ट्रस्ट भी रजिस्टर किया है। आगे चल के इसमें अगर कार्यकर्ता जुटेंगे तो मेरी मंशा है मोदी जी का अधिकाधिक बड़ा मैं उनके लिए कार्य करूँ, ताकि हमारे हिंदुस्तान में नहीं बाहर देश में भी लोगों में मोदी जी के प्रति एक अलग भावना तैयार हो, उनका उनके पूजन करने वाले लोग तैयार हो। क्योंकि मैंने भगवान तो देखा नहीं है, मैं उन्हें भगवान देखा नहीं, मगर मोदी जी के अंदर, मोदी जी के व्यक्तित्व में मुझे भगवान का नज़ारा दिखता है। यही कारण मैं उनको पूछता हूँ। मूर्तिकार जो है वो तिवारी उद्योग करके उनका दुकान है यहाँ पे पिंपरी चिंचवड़ में, और उनकी फैक्ट्री जो है वो जयपुर में है। तो उनसे मैंने ऐसी बात किया कि सर आप मुझे मोदी जी का स्टैचू बना के दीजिए और मंदिर बना के दीजिए, तो वो गदगद हो गए। उनका पहला रिएक्शन मुझे यह आया कि सर मोदी जी के लिए मुझे कुछ काम करने का अवसर मिल रहा है, इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए हर एक ने जिसने भी इस मंदिर के लिए सहयोग किया है उन्होंने पैसे का कोई मुद्दा सामने नहीं रखा है, उन्होंने ये सेवा भावना का एक स्थान उनके प्रति, मोदी जी के प्रति है, तो उस हेतु से उन्होंने काम किया है। उसमें ज़्यादा खर्चा आया नहीं है, 1,50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक का खर्चा आया है, उतने में ही ये मंदिर बना है। ये मेन रोड पर होने के कारण इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, लोग मोदी जी के समर्थक यहाँ आकर हज़ारों संख्या में यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं। मेरे लिए, मैं मोदी जी को पूछता हूँ, मैंने यही मुझे भावना थी कि कोई आए या नहीं आए, मुझे तो उनका पूजन करना है, मगर जनता ने मुझे सपोर्ट जो किया है उससे मैं गदगद हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।